प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हुई हूँ। दोस्तों आज इस भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपकी वेस्ट बंगाल पुलिस भर्ती 2024 की, कहने मतलब है कि कोलकाता पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, इससे रिलेटेड जो आपके डाउट है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। खासकर वो डाउट कि अगर स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अगर आप भर सकते हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, एग्जाम पैटर्न का क्या रहने वाला है, फिजिकल प्रोसेस का क्या रहने वाला है, कितने पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है, इन सभी की चर्चा आज हम विस्तार से करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, आपके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या। टोटल जो आपके पद रहने वाले हैं इसमें हुए 3734 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। पद का नाम है आपको कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल। देखिए संगठन का नाम है पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती 2024 को, जिसको हम कोलकाता पुलिस कांस्टेबल। वेतन की अगर हम बात करें तो 23,700 आपका मूल वेतन रहने वाला है। राज्य है आपका पश्चिम बंगाल और आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो भी आपकी पश्चिम बंगाल ही रहेगी। फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है आपकी 29 मार्च 2024। शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो है 29 मार्च 2024। ऑनलाइन सुधार की जो तिथि है तो 1 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 1 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक आप उस सुधार कर सकते हो, अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हो। आगे बढ़े तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा, देन आपका अंतिम लिखित परीक्षा। पहले आपका देखो पहला टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एक और टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे बढ़े एज लिमिट की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु है आपकी 18 वर्ष, इसके अलावा अधिकतम जो आयु है आपकी वो है 30 साल रहने वाली है। आवेदन का शुल्क बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ₹170 चार्ज लिया जाएगा, एससी एसटी से मात्र आपके ₹20 चार्ज लगेंगे। कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पांचवा मापदंड रहने वाला है पोस्ट का नाम, पहला आपका सिपाही जो, या फिर आप इजी लैंग्वेज कह सकते हो आपके जो कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकली है जो उसमें सिपाही मेल की पद है, मेल के आपके पद दिए गए 3,464, इसमें लेडी कांस्टेबल के 270 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास परीक्षा पश्चिम बंगाल बोर्ड या समकक्ष से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10वीं पास होना अनिवार्य, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अब देखते हैं हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में सामान्य जागरूकता जो आपका प्रारंभिक लिखित जो परीक्षा पेपर फर्स्ट होगा उसका ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है। सामान्य जागरूकता सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 नंबर के, और आपके मैथ से आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तर्क से आएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई आपकी 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसमें। अंतिम लिखित परीक्षा दूसरे आप पेपर फर्स्ट, ये फर्स्ट देखा हमने, अब सेकंड का सिलेबस देखते हैं। इसमें भी आपके सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, अंग्रेजी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, प्रारंभिक गणित से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, तर्क और स्थानीय विश्लेषण से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, तो टोटल हो गए आपके 85 क्वेश्चन 85 नंबर के, और इसमें भी आपकी वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। आगे देखते हैं इसमें जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल प्रोसेस देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष
वर्गीय पुरुष वर्ग सभी श्रेणियों के उम्मीदवार गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर इनकी हाइट रहने वाली है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर। वजन की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम दे रखा है यहाँ पे 57 केजी, इसमें मैक्सिमम मिनिमम तो होना चाहिए लेकिन कितना अधिक होना चाहिए इतना नहीं दे रखा है कि आपको 57 किलो तो वेट होना चाहिए। छाती के विस्तार की बात करें तो 76 से लेकर 83 सेमी आपको छाती का विस्तार होना अनिवार्य है। इसके अलावा यह देखा हमने क्या गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, इसके अलावा गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष वर्ग है उनकी यहाँ पर हाइट रहने वाले 160 सेंटीमीटर, वजन की बात करें तो 53 किलो और छाती का विस्तार है 76 से लेकर 81 सेमी। अब देखते हैं महिलाओं का, तो महिला सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवार वही गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जाति को छोड़कर इन सभी की हाइट रहने वाली 160 सेंटीमीटर, वेट की बात करें तो 49 आपका वेट होना अनिवार्य है। आगे है इसमें गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जनजाति इन सभी वर्ग की महिलाओं की हाइट रहेगी यहाँ पर 152, वेट है आपका 45 किलो। आपका जो तृतीय लिंग है थर्ड जेंडर है उसकी सभी श्रेणियों के उम्मीदवार है उनकी हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर, वजन है आपका 52 किलो। और गोरखा गढ़वाली राजवंशी और अनुसूचित जनजाति की जो हाइट रहने वाली है यहाँ पर 155 सेंटीमीटर और वेट रहेगा आपका 48 किलो। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरियां दे रखी है। तो सबसे पहले पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग को यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, यह दूरी उनको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करनी है। महिलाओं को 800 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, यह दूरी उनको 4 मिनट में पूरा करनी है। तृतीय लिंग की बात करें तो इनसे भी 800 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, यह दूरी 3 मिनट 30 सेकंड में पूरी करवाई जाएगी। यह यहाँ की संपूर्ण जानकारी कोलकाता पुलिस से रिलेटेड। अब बात वही मेन पॉइंट की, इसमें अदर स्टेट वाले भर सकते हैं बच्चे या नहीं भर सकते, बिल्कुल आप भर सकते हो लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपसे जो बंगाली भाषा है वो लिखना और बोलना आना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो आपका इंटरव्यू होगा ना इसमें, वो इंटरव्यू में बस यही जानने के लिए आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपसे बंगाली भाषा आती है या नहीं आती, लिखना बोलना आता है या नहीं आता, इस वजह से वो आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, अन्यथा नहीं। अगर आपसे आती है बंगाली भाषा लिखना बोलना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ये हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी पश्चिम बंगाल पुलिस से रिलेटेड। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।